Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. रूस यूक्रेन के बीच ये जंग अब तक रुकी नहीं है और अब ये जंग और भयानक रूप लेने जा रही है। खबर मिल रही है कि रूस में यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर तक अंदर घुस आई है। वो रूस जिसने यूक्रेन में तबाही मचाई, पुतिन जिनका बदला स्पष्ट था कि वो यूक्रेन पर हमला करेंगे, वही यूक्रेन अब रूस के अंदर तक घुस आया है। रूस में यूक्रेनी सेना का आना पुतिन के लिए बड़ा झटका है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग में अब तक का सबसे दिलचस्प मोड़ आ चुका है। अब तक रूस की सेना यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन अब यूक्रेन धीरे धीरे रूस की सीमा के अंदर घुस रहा है। वो 30 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही है जिनमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा लगा रहे हैं। विवाद तब बढ़ गया जब रूस के कुर्स्क इलाके में छठे दिन भी यूक्रेनी हमला जारी रहा। रूस ने 8 अगस्त को ही इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और इसके साथ ही जो अब खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। खबरों की माने तो 24 घंटे में ही यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में 2 प्रमुख किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया था। इसे बनाने में रूस को 2.5 साल से ज्यादा समय लगा था, जिसे रातों रात यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया। रूस और यूक्रेन सेना के बीच जिस इलाके में लड़ाई हुई वो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक है। ये पावर प्लांट रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि न्यूक्लियर हादसे को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। बता दें, रूस यूक्रेन के बीच का भीषण युद्ध ऐसे मोड़ पर आकर टिक गया है कि दोनों के रडार पर एक दूसरे का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट की है, जहां पर आग लगी तो भयानक तस्वीर देखने को मिली। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलर के पास मौजूद लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। परमाणु प्लांट के पास ऐसी आग का लगना पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। यूक्रेन में मौजूद ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट के पास इस आग के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा है और यूक्रेन ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। वहीं रूस ने भी इस हमले से इनकार किया है। शुरुआत में खबर पक्की नहीं थी, लेकिन IAEA के कंफर्म करने के साथ ही ये पक्का हो गया कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ आग लग गई है। आग लगने के साथ ही विवाद अब बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब यूक्रेन रूस के अंदर 30 किलोमीटर तक घुस आया है तो रशिया इसे कैसे लेगा? पुतिन की सेना अब आगे क्या करेगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।